हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आशादीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पार्टी रोड, स्मालखा. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आर टॉपिक एक्सरसाइज डी ऑफ मैथ क्लास सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 to 10. एज वी ऑलरेडी डन आर क्वेश्चन नंबर 1 to 5, लेट स्टार्ट आर क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर आपका 5 इसमें रिपीट है. आप 5 इसमें कर लेना. क्या है क्वेश्चन नंबर 5? स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग. आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्रॉपर्टी यूज़ करके. जैसे आपने प्रॉपर्टी रीड कर रखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इस तरह से. तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करनी है और आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है. क्लियर? सो फर्स्ट वी हैव 19 × 17 एंड 17 × 9. क्लियर? 19 × 17 एंड 17 × 19, ये आपके पास स्टेटमेंट है. तो कंसिडर 19 एज ए एंड कंसिडर 17 एज बी. सो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए. आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2, आंसर विल रिमेन सेम, दैट इज 6. ठीक है? तो इसमें ऑर्डर का कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है? तो दिस इज आर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर? हेयर वी इनको सोल्व नहीं करना आपने, बस आपको प्रॉपर्टी शो करनी है. जैसे आपको होगी कि आंसर तो लिखा ही नहीं इसका, तो आंसर नहीं लिखने, बस इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताने की यूज हो रखी है. सोल्व नहीं करना आपको कुछ भी. सिमिलर इन दिस प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए इंटू सी. इंटू मीन्स मल्टीप्लाई. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. नाउ 14 × 32 इज अ होल नंबर. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी. बिकॉज ए बिलोंग्स टू होल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर, सो देयर प्रोडक्ट ऑल्सो बिलोंग इन टू होल नंबर. सो दिस होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. हेयर वी हैव लाइक इफ वी हैव ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू ए. हेयर 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर. आपके पास कोई नंबर है 5, ठीक है, 5 है. 5 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको? 5 ही मिलेगा. ठीक है? 5 ही मिलेगा. तो वो जो 1 कहलाया है इसमें, जो 1 है वो 1 क्या कहलाता है? आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है? सो नेक्स्ट, हेयर वी हैव 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 km/h. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 90 आर. सॉरी. सो एक कार की स्पीड है 75 किलोमीटर और पर आर, यानी कि एक घंटे में 75 किलोमीटर वो चलती है कार. तो कार कवर डिस्टेंस इन 1 आर इज 75 किलोमीटर. इट कवर डिस्टेंस इन 90 आर. सो वी वुड मल्टीप्लाई 75 / 90, विल गेट आर आंसर 6750 किलोमीटर. इज दिस वेरी इजी क्वेश्चन? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 30 chairs and 20 blackboard वर परचेज फॉर अ स्कूल. इफ ईच चेयर कॉस्ट 1055 rupees एंड ईच ब्लैकबोर्ड कॉस्ट 1645 rupees, फाइंड द टोटल अमाउंट. तो टोटल अमाउंट आपको निकालना है. पहले एक चेयर की कॉस्ट लिखोगे, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 1055 rupees. तो 30 chair की मल्टीप्लाई बाय 30, विल गेट आंसर 31650. सिमिलर कॉस्ट ऑफ 1 blackboard इज दिस एंड कॉस्ट ऑफ 20 blackboard, सो मल्टीप्लाई बाय 20, विल गेट आर आंसर दिस. सो दिस इज 32900. टोटल अमाउंट, जो आपकी चेयर्स का आया था, कितनी चेयर्स का? हाउ मच चेयर्स? 30. हाउ मेनी चेयर? 30. 30 chairs and 20 blackboards. तो 30 chair and 20 blackboards का जो हमारे पास अमाउंट आया, हमने इनको क्या कर दिया? सम अप कर दिया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया. ठीक है? नेक्स्ट वी हैव देयर आर 75 students इन ईच सेक्शन इन अ स्कूल एंड ईच क्लास हैव 5 section. हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लासेस? सो देयर आर 75 students इन ईच सेक्शन एंड वी हैव 5 section. सो 5 × 75 विल गेट आर आंसर 375. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ द ग्रेटेस्ट 3-digit number एंड ग्रेटेस्ट 5-digit number. सो हेयर वी हैव ग्रेटेस्ट 3-digit number
थ्री टाइम्स नाइन, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज़ फाइव टाइम्स नाइन एंड वी मल्टीप्लाई दिस नंबर्स दिस टू नंबर्स एंड वी गेट आर आंसर. दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप दिस इज़ क्लियर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. टेंथ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर इज ज़ीरो, हाउ कैन इट पॉसिबल. कह रहे दो नंबर हैं और दोनों में उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वो कैसे पॉसिबल है. सो इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन नंबर ज़ीरो. आप क्या कर सकते हो, टू मल्टीप्लाई ज़ीरो तो क्या आएगा, ज़ीरो. और कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो मल्टीप्लाई टू तभी क्या आएगा, वो ज़ीरो. यानी कि फोर मल्टीप्लाई ज़ीरो हो या ज़ीरो मल्टीप्लाई फोर हो तभी आपके पास ज़ीरो आंसर आएगा. मतलब कि दोनों में से एक नंबर को ज़ीरो होना पड़ेगा. ठीक है, एटलीस्ट वन नंबर मस्ट बी ज़ीरो. सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज डी, दिस क्वेश्चन नंबर टेन. सो नाउ योर एक्सरसाइज डी इज़ कम्प्लीट विद दिस लास्ट क्वेश्चन. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू, हैव अ ब्यूटिफुल डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.